पेश है हिंदी जबान में अपडेट। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में मुस्लिम बहुसंख्या का स्टेटस खतरे में है। भारत अपनी गैर सेटलर कॉलोनीवादी परियोजना के एक भाग के रूप में भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर की जनसंख्यात्मक स्थिति को बदलने के लिए गैर कश्मीरी हिंदुओं को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में बसा रहा है। जम्मू कश्मीर की जनसंख्यात्मक स्थिति को बदलने का परामर्श इसराइल ने भारत को दिया है। भारत कश्मीरियों का रक्तपात कर भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर की जनसंख्यात्मक स्थिति को बदलने का प्रयत्न कर रहा है। 5 अगस्त 2019 के पश्चात भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में मोदी शासन द्वारा लागू किया गया मोदी शासन का डोमिसाइल कानून इसराइली सेटलर कॉलोनीवादी परियोजना का प्रतिबिंब है। आर्टिकल 370 के बहिष्कार का लक्ष्य भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों को बसाना है। मोदी भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर की जनसंख्यात्मक स्थिति को बदलकर कश्मीरियों की विशिष्ट पहचान को समाप्त करना चाहता है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर का जनसंख्यात्मक परिवर्तन राष्ट्रसंघ प्रस्तावों तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। कश्मीरियों को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर की जनसंख्यात्मक स्थिति को बदलने की मोदी की योजना का प्रतिवाद करना चाहिए। राष्ट्रसंघ को आगे आना चाहिए तथा फासिस्टवादी मोदी को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर का जनसंख्यात्मक परिवर्तन करने से रोकना चाहिए।